सुप्रभात विद्यार्थियों, लास्ट टर्म पर हमने पढ़ा था जूल्स लॉ। किस प्रकार से यदि किसी चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो कैसे उसमें हीट उत्पन्न होता है, इसके लिए जूल ने नियम दिया था। हमने उस नियम के आधार पर ढेर सारे क्वेश्चन किए, कैसे कैसे हीट रिलीज होता है, कितना हीट रिलीज होगा, कितना देर चलेगा तो कितना हीट उत्पन्न होगा, ये सब हमने पढ़ रखा है। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम जानने वाले हैं अगला टॉपिक रेसिस्टर। प्रतिरोधक क्या होता है? प्रतिरोधक, जैसे इससे पहले आपने प्रतिरोध समझा होगा, क्या था प्रतिरोध, तो हमने वहां पर इसकी परिभाषा जानी होगी। विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को हम प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, अब है प्रतिरोधक, वैसा विद्युत यंत्र जो प्रतिरोध उत्पन्न करता हो उसको हम बोलेंगे प्रतिरोधक। ठीक है बच्चों, तो इसको लिख लीजिए, दो परिभाषा इसकी, वैसा विद्युत यंत्र जो प्रतिरोध उत्पन्न करता हो, वैसा विद्युत यंत्र जो प्रतिरोध उत्पन्न करता हो प्रतिरोधक कहलाता है। ठीक है, लिखते हैं प्रतिरोधक के प्रकार। प्रतिरोधक के प्रकार, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, नंबर वन नियत प्रतिरोधक, और सेकेंड है परिवर्तनशील प्रतिरोधक। ठीक है, ये नियत प्रतिरोधक क्या है? जिसका प्रतिरोध नियत रहता हो, और जिसका प्रतिरोध परिवर्तित होता है उसको हम बोलेंगे परिवर्तनशील प्रतिरोधक। लिख डालिए, नियत प्रतिरोधक की परिभाषा लिखिएगा, वैसा प्रतिरोधक जिसका प्रतिरोध नियत रहता हो नियत प्रतिरोधक कहलाता है। ठीक है, तीर मार के लिखिएगा उसके नीचे, इससे सूचित किया जाता है, मतलब नियत प्रतिरोधक ऐसा होता है। ओके, चलिए अब लिखिए परिवर्तनशील प्रतिरोधक लिखिएगा, वैसा प्रतिरोधक जिसका प्रतिरोध परिवर्तित हो सकता हो परिवर्तनशील प्रतिरोधक कहलाता है। ठीक है, लिखिएगा, इससे सूचित किया जाता है। इसमें बस एक तीर मार दीजिएगा तो परिवर्तनशील प्रतिरोधक हो गया। ठीक है, लिखिए, इससे सूचित किया जाता है। ठीक है बच्चों, गुड, आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे अगली एडी, प्रतिरोधकों का संयोजन। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, डाल दीजिए डिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। याद करें तो हमने ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर की जगह कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ रखा है, याद आया? हाँ, वहाँ भी हमने पढ़ा होगा सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। सेम थिंग यहाँ पर चलेगा, प्रतिरोधकों का संयोजन में सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। लिखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन
जिसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सेकेंड है समांतर क्रम संयोजन। इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तीसरा है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ठीक है भाई। क्या हो गया? सीरीज, पैरेलल और मिक्स्ड, तीनों लिख लीजिए। तो लिख लिया। चलिए अब बात करते हैं कौन क्या होता है। जैसा कि हमने मैंने अभी अभी आपको बताया कि हमने कैपेसिटर में भी सब कुछ पढ़ रखा है ना, बिल्कुल सब कुछ पढ़ रहा है, सेम पढ़ा है, तो वैसा ही कुछ यहाँ भी होने वाला है। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। तो जैसे वहाँ था सीरीज में कैपेसिटर में, वैसे ही कुछ यहाँ ऐसा कुछ करोगे। देखो ऐसा कुछ करोगे, इसको बोलेंगे हम सीरीज कॉम्बिनेशन। ये हमारा हो गया क्या? सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा पैरेलल आपने वहाँ भी देखा था। पैरेलल क्या होता है? देखो ऐसा कुछ करेंगे, इसको बोलेंगे पैरेलल। बस समझिए, एक एक करके परिभाषा लिखेंगे हम। फिलहाल देखिए ऐसा कुछ करो, इसको क्या बोलेंगे हम? पैरेलल कॉम्बिनेशन। और मिक्स्ड का क्या मतलब होगा? सब कुछ एक साथ कर दो। मान लो इसी में अगला देखो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन क्या है, ऐसे है फिर ऐसे है, देख रहे हो क्या हो गया? सीरीज भी है पैरेलल भी है, तो इसको बोलेंगे मिक्स्ड। ये सीरीज है, ये पैरेलल है और ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है। ठीक है बच्चों, अब बड़ा ही आसान है। तो ये जो प्रतिरोधकों का संयोजन लिखे हो, इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा जगह यदि हो तो लिख लीजिए। तो प्रतिरोधकों का संयोजन लिखिएगा, क्या है संयोजन? सुनो तो एक प्रतिरोधक के किसी सिरे को दूसरे के किसी सिरे से जोड़ देने से जो व्यवस्था बनेगी, उसको बोलेंगे हम प्रतिरोधकों का संयोजन। लिख लीजिए, किसी प्रतिरोधक के एक सिरे को किसी प्रतिरोधक के एक सिरे को दूसरे प्रतिरोधक के किसी सिरे से जोड़ने से बनी व्यवस्था प्रतिरोधकों का संयोजन कहलाता है। ठीक है, ये तीन प्रकार के होते हैं और वही तीनों है हमारा, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम। ठीक है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, मिश्रित क्रम, ये है हमारा श्रेणी क्रम, ये है हमारा समांतर क्रम और ये है हमारा मिश्रित क्रम। ओके बच्चों, गुड। चलिए अब बात करते हैं हम श्रेणी क्रम संयोजन की। ठीक है, परिभाषा जो है यहीं से निकल करके आएगा, ध्यान से बस देखिएगा। जैसे मान लो ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन है, समझिएगा, ऐसा कॉम्बिनेशन है। ठीक है, मान लो इसका प्रतिरोध R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है। ठीक है भाई, ध्यान से, वी वोल्ट है, वी वोल्ट का हमने बैटरी जोड़ दिया, ध्यान से समझिएगा। तो अच्छा, जो धारा यहाँ से चली आई धारा, तो क्या यहाँ भी वही धारा, पाइप सेम है? देखो तो मैंने पाइप जोड़ा, तीन अलग अलग पाइप जोड़ रहा हूँ मैं, बस ध्यान से देखते रहिएगा। देख रहे हो, कुछ ऐसा हमने कॉम्बिनेशन किया है। तो क्या जो पानी यहाँ से जितनी मात्रा में जा रही होगी, क्या उतनी ही मात्रा में पानी यहाँ से भी जाएगी? सेम, क्यों? क्योंकि पाइप तो सेम है, मात्रा पानी का सेम रहेगा, तो यानी कि पानी की धारा क्या रहेगा? सेम। धारा को बोलते हैं आई, तो आई सेम। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ सब पर भी आई सेम रहेगा? यस, आई तो सेम रहेगा, वही आई सब जगह, और यहाँ से निकल करके ऐसे जाएगा, क्योंकि ये श्रेणी क्रम है, एक ही तार है, तो धारा सेम रहेगा। अच्छा अब बात करते हैं, धारा तो सेम है, ओम के नियम से क्या जानते हो? भी बराबर आई आर। अच्छा यहाँ भी लिखते हैं आई आर, यहाँ भी लिखते हैं आई आर। चलो बोलो तो मुझे, आई तो सेम है आर वन, तो यहाँ आर वन, आई तो सेम है आर टू, तो यहाँ आर टू, आई तो सेम है आर थ्री, तो यहाँ आर थ्री। क्या बोलो तो, सेम, सबका भी सेम ही होगा? कभी नहीं। एक बार
R1 से, R3 से गुना है, R2 से है, R1 से है, मतलब अलग अलग चीज़ों से सेम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो अलग अलग चीज़ें मिलेगी। तो यानी कि भी 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 जो मैंने सेम लिखा है वो अलग अलग होगा, इसीलिए मैं इन सब का नाम रखता हूँ V1, V2 और V3, अलग अलग नाम है, V1 है, V2 है और V3 है। R1 के अक्रॉस विभवांतर V1, R2 के अक्रॉस V2, R3 के अक्रॉस V3, ये मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब सोचो तो परिभाषा क्या होगा कि भाई वैसा संयोजन जिसमें धारा तो सेम हो, धारा सेम हो लेकिन क्या अलग अलग हो, विभवांतर अलग अलग हो, उसको बोलते हैं हम श्रेणीक्रम संयोजन। लिखिएगा, प्रतिरोधकों का वैसा संयोजन जिसमें प्रतिरोधकों से प्रवाहित धारा तो समान हो परंतु विभवांतर भिन्न हो, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए। श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों के संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें, तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये है R1, ये है R2। आपने अभी भी जाना धारा तो सेम होगा, सेम धारा यहाँ से I बहा, यहाँ से भी I ही निकल गया, ठीक है। वी वोल्ट की बैटरी है, आपने जाना अभी अभी, ये हो जाएगा V1, ये हो जाएगा V2, ठीक है। ध्यान से देखना है, देखेंगे तो ओम के नियम से, बच्चों ध्यान से देखिएगा, ओम के नियम से समझिएगा, क्या जानते हो, V बराबर IR, तो V1 बराबर IR1, नहीं किसके अक्रॉस विभवांतर है, ये किसके अक्रॉस विभवांतर है, तो R1 के अक्रॉस विभवांतर, यहाँ लिखेंगे आयर, तो R किसके अक्रॉस, R1 के अक्रॉस विभवांतर V1 बराबर ये, इसी प्रकार ध्यान से, इसी प्रकार R2 के क्रॉस विभवांतर V2 बराबर क्या लिखोगे, IR2, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब विभवांतर के बारे में आपको पता होगा, ये अदिश राशि है, हमें कुल विभवांतर चाहिए तो सीधे सीधे जोड़ देते हैं, इसीलिए संयोजन के क्रॉस, पूरा का पूरा जो संयोजन है उसके क्रॉस कुल विभवांतर भी बराबर क्या लिखोगे, तो V1 + V2 लिखोगे ना, यस, समीकरण 3 मान लो, और 3 में 1 और 2 का मान रख दो, समीकरण 3 में 1 तथा 2 का मान रखने पर, ठीक है भाई, 3 में किसका किसका मान रखना है, 1 और 2 का रख दो। देखो V बराबर क्या लिखा, ये तो अपने पता है ओम के नियम से, V बराबर क्या होता है ना, IR, तो मैं लिखूंगा IR बराबर है, ठीक है भाई, V1 का मान क्या है, IR1 प्लस IR2, I कॉमन ले लो, R1 प्लस R2, I ने I को मार दिया, ठीक है, यहाँ से R बराबर आ गया R1 प्लस R2।
अच्छा सीरीज है इसीलिए मैं इसको लिख रहा हूँ आर के बाद छोटा सा एस, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में तुल्य प्रतिरोध आ रहा है। ठीक है भाई, सिंपल। अब बात करते हैं हम सब, ये तो हो गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, यहाँ बात करेंगे इसी बात को कि ये क्या कहा गया है, इसका क्या मतलब। इसका ये मतलब है कि यदि प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उनका तुल्य प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है ना, यही बात यहाँ पर लिख लेंगे हम इस प्रकार करके, है ना, इस प्रकार मैं लिखवा दूंगा उस समय। चलिए अब बात करते हैं केस वन, यदि एन प्रतिरोध है ना श्रेणी क्रम में जुड़े हो, श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो देखो n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो RS बराबर क्या हो जाएगा, पहला में R1 फिर से R2 ऐसे करके कहाँ जाओगे, RN तक, n जुड़ा हुआ है तो RN तक चला गया। केस टू, यदि n समरूप प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों n समरूप प्रतिरोध कहां जुड़े हों श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो समरूप है भाई, तो क्या सब सेम, समरूप का मतलब समान, तो मैं क्या लिखूंगा RS बराबर समान चलेगा, मतलब पहला भी R दूसरा भी R प्लस डॉट डॉट कितना बार, लास्ट में भी R रहेगा n बार में, R कॉमन ले लोगे मेरे भाई साहब तो RS बराबर क्या आ जाएगा, ध्यान से R कॉमन ले लिया तो बच गया वन प्लस कितना बार n बार वन। अब मुझे एक बात बताओ, छोटी सी बात पूछ रहा हूँ मैं कि क्या एक एक को पांच बार जोड़ते हो तो कितना आंसर होता है, एक 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 पांच बार, पांच आंसर, दो बार तो दो, n बार तो n, तो RS बराबर क्या आ जाएगा, दैट इम्प्लाइज RS बराबर क्या हो जाएगा भाई nr, क्या हो जाएगा nr। ठीक है, ठीक है भाई, छाप लीजिएगा RS बराबर nr। ओके, क्या करें, यहाँ से जो हमने क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन के बाद हमें लिखना होगा, लिखिएगा तो माना, क्वेश्चन के बाद लिखिएगा माना R1 कॉमा R2 प्रतिरोध वाले दो प्रतिरोधकों को चित्रानुसार श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, चित्रानुसार श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, संयोजन के दोनों सिरों को भी वोल्ट वाले सेल से जोड़ दिया गया, भी वोल्ट वाले सेल से जोड़ दिया गया। ठीक है, चित्र छाप लीजिएगा, नीचे लिखिएगा, चित्र छापने के बाद छोटा सा चित्र है इसको छापने के नीचे लिखिएगा, यदि यदि परिपथ से प्रवाहित धारा आई हो, यदि परिपथ से प्रवाहित धारा आई हो तो ओम के नियम से यहाँ तक आ जाओ, कहाँ तक, यहाँ तक, और इस प्रकार से लिखेंगे, आ जाओ जल्दी से पॉज करके, यहाँ से यहाँ तक आ जाओ आर एस बराबर आर वन प्लस आर टू तक आ जाओ, आ गया। अरे आ गया, तो लिखिए, तो जो मैंने कहा था वो बात लिखने के लिए लिखिएगा इस प्रकार, जहां मैंने इस प्रकार लिखा है, लिखा कहां लिखा है सो, यस लिखिएगा इस प्रकार, इस प्रकार श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधकों के योगफल के बराबर होता है।
अलग अलग प्रतिरोधकों के योगफल के बराबर होता है। लिख डाला केस वन केस टू, लिख डालो पूरा केस वन केस टू, लिख डालो पूरा। लिख लिया। चलिए आगे की बात करते हैं। लिखने के बाद लिखिएगा, सब कुछ हो गया यहाँ तक पूरा छाप लिया, एक नोट डाल लो, नोट में लिखिएगा श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का, लिखिएगा श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों से बड़ा होता है, सभी प्रतिरोधों से बड़ा होता है, सभी प्रतिरोधों से बड़ा होता है। भाई साहब इसका एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे मैंने क्या कहा श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों से बड़ा होता है। सिंपल सा एक एग्जांपल करते हैं, देखो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, एक है एक ओम, दूसरा है दो ओम, तीसरा है तीन ओम। बोला गया है ए बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिए ए बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। लिख लिया, तो क्या लिखोगे आर एस बराबर, बोलो तो लिखोगे आर वन प्लस आर टू प्लस, यही तो पढ़े हो, आर वन का मान एक ओम प्लस दो ओम प्लस तीन ओम, जोड़ लो सबको, एक दो एक तीन तीन छः ओम हो गया ना, छः ओम सिंपल। तो क्या ये एक दो और तीन सबसे बड़ा है? हाँ बिल्कुल बड़ा है, सबसे बड़ा है। तो हमने जो लिखा था वो बात यहाँ सच भी है और आंसर भी आ गया हमारा। छाप लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसे देखो, एक और है ये रहा ए बी, ठीक है, यह एक ओम दो ओम तीन ओम चार ओम पाँच ओम छः ओम सात ओम आठ ओम नौ ओम और दस ओम, एक से लेकर के दस तक है। मेरे से पूछा जाए कि आर एस क्या होगा, तो आप लिखोगे सिंपल आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री अप टू कहाँ तक, दस तक। तो लिखोगे आर वन, ध्यान से बच्चों, आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर प्लस आर फाइव प्लस आर सिक्स प्लस आर सेवन प्लस आर एट प्लस आर नाइन प्लस आर टेन, सबको लिखोगे एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार पाँच छ सात आठ नौ दस, जोड़ लो सबको, जोड़ते हैं। देखो एक से लेकर के दस तक के अंक का जोड़ चाहिए, तो हम आपके पास जोड़ यदि आपने सीखा होगा तो ऐसा कुछ जोड़ते होंगे, ये आसान है तो मनी मन जोड़ सकते हो, लेकिन प्रॉपर आपको ऐसे ही करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, देखो दो एक तीन तीन छः चार दस पाँच पंद्रह छः इक्कीस सात अट्ठाईस आठ छत्तीस नौ पैंतालीस दस पचपन, कितना हो गया पचपन ओम। क्या लिखोगे पचपन ओम, ये हो गया हमारा आर एस। बच्चों कष्ट क्या है, पचपन ओम में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत क्या है कि यदि प्रश्न ऐसा ना हो करके यहाँ एक दो तीन लिखा हुआ था ना, मान लो सत्रह सत्रह चौंतीस इक्यावन अड़सठ ऐसे रहे, तो उन्नीस का ही रहे पंद्रह का ही रहे, तो क्या ये जोड़ना बहुत जटिल हो जाएगा, हो जाएगा ना। हाँ हम उस पर भी एक ट्रिक लगाएंगे, फिलहाल आप इसको छापिए। तो फिर से वही है, दी गई आकृति में ए बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें, कर लीजिए ज्ञात, छाप लिया, ठीक है ना। अब देखो पचपन आंसर आ गया, अब ट्राई कर सकते हो, यदि मैं यहाँ एक का पहरा, देखो एक दुनी का दो, दो तिया एक तिया का तीन, एक चौके चार, एक पचे पाँच, ऐसे है। यदि ये दो का पहरा होता ना दो चार छः आठ, तो आंसर जोड़ोगे ना तो आएगा 110, यानी कि इसका दो गुना। तीन का रहेगा कितना आएगा, पचपन का तीन गुना। जितना का पहरा रहेगा ना, टेबल के लिए फॉर्मूला फिट बैठेगा, जितना का पहरा होगा उसका यदि आपको आंसर निकालना है इस प्रकार से जोड़ करके, तो क्या होगा पचपन गुने उतना गुने कर देना है, दस का पहरा पचपन गुने दस, बीस का पहरा पचपन गुने बीस, समझ में आई? यस, तो एक क्वेश्चन लिख लीजिए और खुशियाँ कर लीजिएगा। लिखिए, लिखिएगा सात ओम कोमा चौदह ओम डॉट 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 सत्तर ओम के प्रतिरोधकों को
श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। ध्यान से भाई देखो क्या करोगे, लिखोगे यहां पर क्या ए बी है, यहां लिखोगे 7, यहां लिखोगे 14, 21, 12 भूल गया क्या रे? हाँ तो ये ए है, ये बी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि टोटल निकालना है जोड़ करके। कैसे जोड़ोगे? तो यही निचले लिखने वाले हैं। अब क्या करेंगे सोचो, आर एस बराबर क्या लिखेंगे, बोलो बोलो। तो भाई सबको जोड़ना है, 7, 14 है ना, तो हम वो ना लिख करके क्या लिखेंगे, 55 × 7 कर लो। 55 × 7 = 7, 7 × 5 = 35, 5 = 3 और 7 × 5 = 35, 3 = 38, इतना ओम आंसर है। देख लिया आपने, आसानी से ट्राई करना है, चेक करना है, मतलब चेक करना है। तो मैं क्या करता हूँ, चेक कर लेते हैं कि ये फंडा समझेगा बेटर है, सही भी है कि ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ। देखो भाई जोड़ के देखते हैं इसको, ऐसे आंसर हमको पता है 2 का पहाड़ा है, तो 55 × 2 यानी कि 110 होना चाहिए। देखते हैं कि 110 आ रहा है। देखो 4, 2, 6, 6, 12, 8, 20, 10, 30, 12, 42, 14, 56, 56, 16 कितना, 56, 10, 66, 6, 72, 18, 72, 8, 80 और 10, 90, 90 और 20, 110 जोड़ लो आप, देख लो 110 ही होगा। तो देखो यहाँ पर भी आ रहा है, यानी कि सारे के सारे पहाड़ों पर ये सत्य हो रहा है। तो हम पहाड़े वाले क्वेश्चन में ऐसा लिख सकते हैं, आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ओके एक और लिख लो खुद से घर के लिए, लिखिए 11 ओम, 22 ओम, 33 ओम ×110 ओम प्रतिरोध वाले प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। अब बढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन पर। ठीक है भाई चलिए देखते हैं। ध्यान से देखते हैं क्या है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया था, कुछ ऐसा था वो, है ना। ध्यान से कुछ ऐसा था, मैंने जोड़ लिया, ये हमारा R1 और ये हमारा R2। मैंने इसके बीच भी वोल्ट वाले सेल को जोड़ दिया। बच्चों ध्यान से देखना, समझना अच्छे से क्या हो रहा होगा। बताओ तो क्या दोनों का दोनों जो ये कॉम्बिनेशन है, इसके सिरों का विभवांतर कितना, भी, चूंकि यही भी वोल्ट यहाँ जुड़ा हुआ है इससे भी और यही इससे भी, देख रहे हो यही भी वोल्ट का माइनस सिरा और सेम प्लस सिरा इससे जुड़ा हुआ है। सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं था, ध्यान से देखो। देखो ये माइनस सिर्फ इससे जुड़ा हुआ है, इससे नहीं जुड़ा हुआ है, इससे इसके बाद जुड़ा है। ये यदि R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो देख पा रहे हो आप कि ये माइनस सिरा R3 से जुड़ा है, लेकिन यहाँ देखो ये माइनस सिरा R1 से भी R2 से भी, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ देखो ये माइनस सिर्फ R3 से, ये प्लस सिर्फ R1 से, R2 से नहीं जुड़ा है, ये R3 से नहीं जुड़ा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लस भी दोनों से और माइनस भी दोनों से, यानी कि विभवांतर तो क्या हो गया इसका, भी हो गया। सिरों का विभवांतर क्या हो गया, भी हो गया, भी वोल्ट का विभवांतर है इसके सिरों का, लो भी लिख दिया मैंने। चलो विभवांतर भी हो गया सेम, अच्छा। धारा जैसे यहाँ से चला, मान लो मैं फिर से एक और एग्जांपल लेता हूँ, पाइप वाला, पानी वाला, चूँकि पानी वाला काम आप लोग करते हो तो समझ में इजीली आ जाएगा। देखो ध्यान से देखो, प्रतिरोध अलग अलग लिया गया है, R1 R2, चलो यहाँ पर भी वही काम करते हैं। प्रतिरोध अलग अलग होने का क्या मतलब, जैसे पाइप में प्रतिरोध ज़्यादा या कम होने का मतलब, ज़्यादा प्रतिरोध है तो पानी कम बहेगा, कम प्रतिरोध है तो पानी ज़्यादा बहेगा। तो देखो इसका प्रतिरोध कुछ और है, मोटा है इसका मतलब प्रतिरोध कम होगा, पतला है तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा, इसको R1 इसको R2, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इससे पानी बहाने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब पाइप से इसको मैंने टनल से जोड़ दिया जो कि इससे पानी बह पाएगा, लो
चलो यहाँ से पानी बहेगा और यहाँ से निकलेगा, ठीक है, पानी यहाँ से बाहर निकलेगा, ध्यान से। अब आप क्या कह सकते हो बताओ तो? आप कह सकते हो कि पानी इसमें से कुछ और, इसमें से कुछ और। इसका पानी यदि I1 तो इसका पानी I2, पानी सेम नहीं बह सकता है क्योंकि ये पाइप मोटा है, ये पाइप पतला है, ठीक है भाई, पानी सेम नहीं बह सकता है, अच्छी बात है। तो पानी तो अलग अलग बहेगा, धारा तो अलग अलग रहेगा, पानी की धारा तो अलग अलग रहेगा, लेकिन विभवांतर क्या रहेगा? सेम, देख रहे हो ना, विभवांतर सेम। इसमें धारा I1, इसमें धारा I2, धारा तो अलग अलग है लेकिन विभवांतर क्या है? सेम है। और इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। लिख डालिए परिभाषा, प्रतिरोधकों का वैसा संयोजन जिसमें प्रतिरोधकों के क्रॉस विभवांतर तो समान हो, प्रतिरोधकों का वैसा संयोजन जिसमें प्रतिरोधकों के क्रॉस विभवांतर तो समान हो परंतु प्रवाहित धारा भिन्न हो, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। समांतर क्रम संयोजन कहलाता है, लिख लिया, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। अब लिखिएगा समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों के तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें, तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें। बच्चों ध्यान से, मैं समांतर क्रम में पहले प्रतिरोधकों को जोड़ता हूं, लो देखो ध्यान से, देखो जोड़ दिया, ये देखो भी वोल्ट है, आपको जैसे पता है धारा इससे बहेगा I1, इससे I2, यहां से I और यहां से गया भी था I। चलो समझते हैं, प्रतिरोध है इसका R1, इसका प्रतिरोध है R2। अब तो सब कुछ समझ ही रहे हो कि भाई धारा अलग अलग है और विभवांतर सेम है। पुनः लिखेंगे तो जैसे वहां किए थे वैसे ही, ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या जानते हो बोलो? ओम के नियम से क्या जानते हो? भी बराबर आई आर, यहाँ तो भी सेम है, वहाँ अलग अलग भी था तो भी ही लिखे थे, यहाँ भी क्या है? सेम है, तो मुझे आई लिखना पड़ेगा, दैट इम्प्लाइज आई इक्वल्स टू भी बाय आर, सही है ना? यस सही है। अच्छा इसी प्रकार ध्यान से देखना, तो क्या इससे आर वन से प्रवाहित धारा आई वन है? अब R1 से प्रवाहित धारा किससे? R1 से प्रवाहित धारा I1 बराबर क्या हो जाएगा? भी तो सेम है और प्रतिरोध R1 है, समीकरण एक यार नहीं है, I1 जो है वो क्या हो जाएगा? भी बाई R1, भी तो सेम ही है, ठीक इसी प्रकार है ना, इसी प्रकार किससे प्रवाहित धारा? R2 से प्रवाहित धारा, इसी प्रकार R2 से प्रवाहित धारा I2 क्या हो जाएगा भाई बोलो तो? तो भी बाय, बोलो बोलो, भी बटे R2, ठीक है ना, समीकरण दो। चलो चित्र देख करके क्या लग रहा है कि I ही जो है दो भागों में बटा है, तो क्या लिखोगे पुनः, क्या लिखोगे बोलो तो? चित्र देखकर क्या लग रहा है कि I जो है वो दो भागों में बटा है, किस किस में? I1 और I2 में, देख रहे हो, यहाँ से भी I1 आया, यहाँ से आया I2, और दोनों मिलकर के क्या बन गया बोलो बोलो? I बन गया। तो क्या लिखा है मैंने? I जो है वो I1 और I2 के जोड़ के बराबर है, अच्छी बात। इसको समीकरण तीन मान लो, और तीन में एक और दो का मान रख दो, समीकरण तीन में एक तथा दो का मान रखने पर, चलो रख दो, तीन में एक और दो का मान रख दो, तीन दिखा ये रहा, I बराबर क्या होता है? भी बाई आर, ये तो जानते ही हैं हम, लिखेंगे भी बाई आर, ये बराबर है किसके किसके? तो भी बाई आर वन, आई वन की जगह क्या लिखोगे? देखो भी बाई आर वन, तो भी बाई आर वन प्लस भी बाई आर टू, चलो अच्छी बात, या भी बाई आर बराबर, अच्छा इस आर को मैं ना लिख बाद में लिखूंगा, चलो भी कॉमन ले लो,
वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू। क्या भिन्न भी को मार दिया? यस, इसीलिए वन अपॉन आर बराबर है वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू। अच्छा भाई, अच्छी बात है, मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, पैरेलल है इसीलिए पी। और यहाँ जानेंगे इस प्रकार जो वहाँ लिखे थे ना वही बात कि क्या लिखेंगे, इस प्रकार समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम। क्यों व्युत्क्रम? क्योंकि उल्टा में है, अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है, सिंपल। अच्छा भाई ध्यान से देखना, तो या इसी में आगे बढ़ते हैं, वन अपॉन आर पी बराबर, ध्यान से बच्चों क्या लिखूंगा इसको, आर वन आर टू का लॉसन ले लो, क्या हो गया आर वन आर टू, लॉसन ले लिया तो यहाँ आ गया आर टू और यहाँ आ गया आर वन। शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ मैं, बहुत काम का चीज़ है, उल्टा कर लो तो आर पी बराबर क्या आ गया भाई, आर वन आर टू बाय आर वन प्लस आर टू। मैक्सिमम जगह यही यूज होता है, यदि आपने कैपेसिटर ध्यान से पढ़ा होगा तो वहाँ पर भी इसका हमने बहुत सारा प्रयोग किया होगा, ठीक है। जब दो प्रतिरोधक समांतर क्रम में जुड़े हों तो सिंपली यही आंसर होता है, आर वन आर टू बाय आर वन प्लस आर टू, ठीक है। अब हमें केस करना है, उससे पहले आपको छापना पड़ेगा, तो छापने से पहले क्वेश्चन लिख ही चुके हैं आप, क्वेश्चन के नीचे लिखिएगा, सॉल्यूशन में लिखिएगा, माना R1, R2 प्रतिरोध वाले, माना R1, R2 प्रतिरोध वाले दो प्रतिरोधक चित्रानुसार समांतर क्रम में जुड़े हैं, चित्रानुसार समांतर क्रम में जुड़े हैं, लिख लिया, लिखिएगा, संयोजन के दोनों सिरों को भी वोल्टता वाले सेल से जोड़ दिया गया है, भी वोल्टता वाले सेल से जोड़ दिया गया, चित्र छाप लीजिए। चित्र छाप लिए, चित्र छापने के बाद लिखिएगा, यदि यदि संयोजन से प्रवाहित धारा आई हो, यदि संयोजन से प्रवाहित धारा आई हो तो ओम के नियम से पूरा का पूरा यहाँ तक आ जाओ, इस प्रकार तक, ओम के नियम से लिख करके इस प्रकार तक आ जाओ, जल्दी से पॉज करके आ जाओ तो उस प्रकार तक, और लिखो इस प्रकार से, देखो इस प्रकार, इस प्रकार समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों के, समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों के संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधकों के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। लिख डाला, क्या लिखा, समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों के संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधकों के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं, इसमें भी हमें केस करने हैं बच्चे, चलो ध्यान से देखो, केस वन देखिए, केस वन वही बात करेंगे, यदि एन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हो, तो ध्यान से बच्चों, यदि एन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो क्या लिखोगे, वन अपॉन आर P बराबर, सॉरी श्रेणी क्रम नहीं ना, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम कर लिए हैं, समांतर क्रम, बच्चों ध्यान से, वन अपॉन, बोलो बोलो क्या लिखोगे, वन अपॉन आर पी बराबर वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस डॉट 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 वन अपॉन आर एन, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, केस टू, यदि एन समरूप प्रतिरोधक है ना,
समरूप। समांतर क्रम में जुड़े हों। तो ध्यान से बच्चों, वन अपॉन आर पी बराबर, ध्यान से क्या बोलोगे, वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर प्लस डॉट 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 वन अपॉन आर। चलो क्या कर लो, वन अपॉन आर कॉमन ले लो, तो बच क्या गया, सब कुछ कॉमन ही है तो एक बच गया, कितना बार एन है तो एन बार, तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन आर पी बराबर, भाई साहब ध्यान से बोलो, वन अपॉन आर हो ही गया और एक एक एन बार है, क्या जोर इसका एन हो जाएगा, यस, तो वन अपॉन आर पी बराबर हो गया एन बाय आर। तो क्या लिखोगे, दैट इम्प्लाइज आर पी बराबर आर बाय एन, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है भाई। अब देखिए आगे, एक बहुत अच्छी बात करने वाला हूँ मैं, कि यदि एन समरूप प्रतिरोधकों को पहले श्रेणी क्रम में और बाद में समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, ठीक है, यदि एन समरूप प्रतिरोधकों को, है ना, ये लिखता हूँ केस थ्री, यदि एन समरूप प्रतिरोधकों को पहले श्रेणी क्रम में तथा पुनः समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए जाए तो संयोजन का, संयोजन के तुल्य प्रतिरोधों का अनुपात, भाई साहब ध्यान से मैं यहाँ कुछ लिखूं उससे पहले देखिए ध्यान से, तो क्या लिखूंगा मैं, ध्यान से बच्चों ध्यान से देखना, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, जो बात यहाँ कही गई है उस बात को समझते हैं, कहा गया कि पहले श्रेणी क्रम में तो क्या लिखोगे आर एस, फिर समांतर क्रम में क्या लिखोगे आर पी, का बोला गया है अनुपात, क्या आर एस बराबर अभी अभी आपने पढ़ा है, एन आर पढ़े हो ना, अभी लिखे थे यहाँ पर, छोटा सा देख लेना पीछे में, पलट करके देख लो, तो श्रेणी क्रम में यदि समरूप प्रतिरोध जुड़े हुए हैं एन तो उनका तुल्य प्रतिरोध होता है एन आर, बट्टा आर पी अभी अभी लिखे, देखो क्या आर बाई एन, आर बाई एन, क्या एन ऊपर चल जाएगा तो गुने एन, आर ने आर को मार दिया तो यहाँ से आर एस बाई आर पी क्या आ गया भाई, बोलो बोलो एन स्क्वायर, एन क्या है, एन समरूप प्रतिरोध है, मतलब प्रतिरोधों की संख्या है, तो क्या लिखोगे तुल्य प्रतिरोधों का अनुपात प्रतिरोधों की संख्या के, प्रतिरोधों की है ना संख्या के वर्ग के बराबर होता है, वर्ग के बराबर होता है, ठीक है भाई, यस, अर्थात आर एस बाय आर पी ये बराबर है किसके, एन स्क्वायर के। चलिए आ जाइए, तो ये हिंट है आपका, मन होगा इसको छापना है, मन है नहीं छापना है, ये हिंट है, ये कैसे हुआ है वो हिंट है। चलिए ये केस वन केस टू करके वहां तक आ जाओ, टाप लिया बच्चों, अरे छापा, ओके, छापने के उपरांत यहाँ तक हो गया सब कुछ सिस्टमेटिक, पहले केस वन केस टू ये रहा केस थ्री, यहाँ तक ये बात आपने जान ही लिया। अब हम वही नोट लिखेंगे जो पिछले बार में लिखे थे ना, क्या वहाँ लिखे थे कि यदि हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, है ना, तो तुल्य प्रतिरोध जो है अलग अलग प्रतिरोधों सभी प्रतिरोधों से बड़ा होता है, वही काम यदि आप समांतर क्रम में करोगे तो क्या होगा, सभी प्रतिरोधों से छोटा होगा। बच्चों बिहार बोर्ड ने एक बार ये पूछा था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिरोध उत्पन्न करना है तो क्या करें, श्रेणी क्रम में जोड़ें कि समांतर क्रम में, ठीक है ना, तो वही बात इसीलिए मैं लिखवा रहा हूँ नोट में, लिखिएगा
यदि प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो, नोट में लिखना है ना, यदि प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों से छोटा होता है। सभी प्रतिरोधों से छोटा होता है, क्या होता है, सभी प्रतिरोधों से छोटा होता है। एग्जांपल एक करते हैं, देखो ये है 6 ओम, नीचे है 3 ओम और बोला गया है बताइए संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, ये ए ये बी। क्वेश्चन लिखो, दी गई आकृति में ए तथा बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। दी गई आकृति में ए तथा बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें, ठीक है, ओके। अब क्या लिखोगे, देखो दो ठो है तो हमारे पास फॉर्मूला है, देखकर ही लग रहा है समांतर क्रम, तो 1/RP बराबर बोलो 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 क्या होगा, 1/R1 + 1/R2। 1/R1 का मान 6, R2 का मान 3, 6 का लॉस 6, 1 और 3 दूनी का 6 तो 2, कितना हो गया, देखो देखो 3/6 है ना, ये किसका मान है, 1/RP का, काटाकुटी मचा दो, 1/2 है ना, तो 1/2 हो गया किसका मान, 1/RP का, इसीलिए RP बराबर, भाई उल्टा करोगे ना तो क्या लिखोगे, 2 ओम। क्या देखो तो ये अलग अलग दोनों से छोटा है, ये 6 है और ये 3 है, और देखो टोटल आ गया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, 2, तो क्या ये दोनों से छोटा है, हाँ। तो हमने नोट में जो बात लिखी है कि समांतर क्रम में जोड़ने पर संयोजन का तुल्य प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों से छोटा होता है, बिल्कुल सही है, आई बात समझ में, यस। अच्छा एक और हमने फॉर्मूला लिखा था इसका कि 2 रहेगा तो खट से लिखेंगे RP बराबर R1 R2 / R1 + R2, यूज़ करिएगा, बड़ा आसान है, मज़ेदार, मतलब दोनों को गुना कर दो और बाद में दोनों को जोड़ दो, बस, ठीक है ना। तो ये है मतलब बिल्कुल फंडा सिंपल सा है कि वही दोनों को जोड़ दो, तो 6 × 3 और बटा 6 × 3 = 9, क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, देखो 2 आ गया, कितना आसान है ये, इतना नहीं करना पड़ा, इसमें देखो कितना लंबा यहाँ से यहाँ तक हो गया, तब आया एक ही बार आंसर आ गया, तो ईजी है वो, तो 2 जब रहेगा तो वो खट से लगा लिया करेंगे, ओके बच्चों छाप लीजिए, छाप लिया। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें, समझ में आया, समांतर क्वेश्चन में खुद कह दिया है समांतर क्रम में, तो क्या लिखोगे, 1/RP बराबर 1/R1 R2 R3 1/R4 1/R5 और 1/R6। वैसे एक और तरीका मैं बताऊंगा आपको, लेकिन मैं ऐसा मानकर चल रहा हूं कि आप लोग बिल्कुल फ्रेश हो, वैसे फ्रेश हो ही, आज पढ़ते हो तो भूल जाते हैं, पता नहीं पिछले दिनों की पढ़ी हुई बातें आपको पिछले जन्म की लगती होगी, तो 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 कितना बार हो गया, 5 बार, 6 गो है तो 6 बार, 6 × 6 = 6, 1 × 1 × 1 × 1 × 1 1 2 3 4 5, एक बार और एक कर दो, कितना हो गया, 6/6 मर गया 1 ओम। तो उल्टा पुल्टा भी करोगे तभी सेम ही होगा, RP का मान कितना, 1 ओम। वैसे ऐसा करने का एक और तरीका है, RS = R/N, यदि n समरूप प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना होता है ना, कितना होता है, अल्टरनेट है ये दूसरा तरीका इसको करने का, कितना होता है, R/N होता है, तो R का मान 6, n का मान भी 6, मर गया आंसर 1। तो जो केस होता है ना वो हमें क्वेश्चन को ईजी करने में सहायता करता है, मतलब क्वेश्चन को ईजी कर देता है वो, स्पेशल केस सब जो होता है। खैर आगे बढ़ते हैं, छाप लिया, अरे छापा, चलो एक और कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, आपको कंफ्यूज कर देगा, पता ही नहीं पड़ेगा श्रेणी है कि समांतर है, देखो ध्यान से, तीसरा नंबर चलेगा क्या, जितना नंबर चलेगा उतना नंबर डाल लो, ये रहा यू, ठीक है, देख करके क्या लग रहा है, श्रेणी या समांतर, बोलो बोलो,
ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। क्वेश्चन है ए तथा बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें, ए तथा बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। क्वेश्चन लिख लिया, सिंपल। हमारा काम क्या है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, देख करके लग रहा हो कि समांतर क्रम है, लग रहा है ना, लेकिन नहीं है समांतर क्रम। याद करें समांतर क्रम कैसा होता था, तो ये कुछ ऐसा था, ऐसा ऐसा तब होता था, ऐसा ऐसा, ये ए ये बी, मतलब एक ही बिंदु पर सभी जितना प्रतिरोध है, दस वो रहेगा, दसों एक के जगह पर मिला रहेगा, जबकि यहाँ देखो तो सिर्फ एक है, दूसरा कोई यहाँ मिला हुआ नहीं है। पहचानने का ये तरीका है। दूसरा क्या था, इसमें धारा अलग अलग था, याद करिए, यहाँ पर I1, यहाँ पर I2, जबकि यहाँ देखो तो जो धारा यहाँ बहेगा वही धारा यहाँ, वही धारा यहाँ, देख रहे हो, सेम धारा सेम सेम जा रहा है, यानी कि धारा सेम है। और धारा सेम किस में होता है, श्रेणी में, कि समांतर में, श्रेणी क्रम में। तो ये कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम है, जबकि आपके दिमाग पर क्या लगेगा कि ये समांतर क्रम है, और गलती करोगे आप। मैंने क्वेश्चन में ऐसा दिया कि समांतर क्रम सोच के उल्टा बना लो, लेकिन ऐसा नहीं है, ये कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम। मान लो 9-9 ओम का सब है, सब कितना ओम का, 9 ओम का, और बोला गया है बताइए संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो ये श्रेणी क्रम है ना कि समांतर क्रम। और लिखोगे आर एस बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर प्लस आर फाइव प्लस आर सिक्स प्लस आर सेवन प्लस आर एट प्लस आर नाइन। 9 बार 9 लिखोगे, 9 जोर 9 जोर 9 जोर 9 जोर 9 जोर 9 जोर 9, कितना बार हो गया, 3 3 6 1 7 8 9, जोड़ लो सबको, 81 ओम हो गया। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन लिखो, लिखो, लिखिए। 6 समरूप प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, 6 समरूप प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या लिखा, 6 समरूप प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर संयोजन का तुल्य प्रतिरोध 72 ओम होता है। यदि प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए, यदि प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें, तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। ठीक है, देखो ध्यान से, हमने अभी अभी पढ़ा है आर एस बाय आर पी बराबर होता है एन स्क्वायर, याद आया। यदि n समरूप प्रतिरोधकों को पहले श्रेणी क्रम में फिर बाद में समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो आर एस अपॉन आर पी यानी कि श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में संयोजन का तुल्य अनुपात क्या होता है, क्या होता है, n स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पर 6 दिया है तो n का मान 6 स्क्वायर बराबर आर एस बाई आर पी। चलो बच्चे अच्छी बात है, ध्यान से, आर एस का मान दिया कितना, 72 ना, 72 बट्टे आर पी बराबर किसके है, 6 का स्क्वायर, कर दो भाई आर पी बराबर 72 बट्टा 6 का स्क्वायर 36, 36 दूनी का 72, आंसर आ गया कितना, 2 ओम। बस सिंपल, तो यहाँ से आर पी क्या आ गया, 2 ओम। तो यहाँ से केस जो होता है देखो बड़ा आसान होता है, उससे बड़ा आसानी से क्वेश्चन बन जाता है। तो हमने यहाँ से आपने ख़त्म क्या कर लिया अभी अभी, समांतर क्रम संयोजन। चलिए छाप लीजिए इसे, और अब जानेंगे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। लिखिए मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मिश्रित क्रम संयोजन, मिश्रित क्रम संयोजन लिख लिया। क्या है ये, तो प्रतिरोधकों का वैसा संयोजन है जिसमें प्रतिरोधकों को एक साथ श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, उसको बोलेंगे हम मिश्रित क्रम संयोजन। मैंने एग्जांपल के द्वारा आपको अभी अभी तुरंत बताया भी था, है ना। तो लिखिए, तो प्रतिरोधकों का वैसा संयोजन जिसमें प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम व समांतर क्रम में एक साथ जोड़ दिया जाए, श्रेणी क्रम व समांतर क्रम में एक साथ जोड़ दिया जाए तो उसे मिश्रित क्रम संयोजन कहते हैं।
तो उसे मिश्रित क्रम संयोजन कहते हैं। बच्चों, हमने अभी तक जो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पढ़ा वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि उस पर बेस्ड क्वेश्चन आते ही नहीं है। सीधे सीधे उस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलने की संभावना बिल्कुल 1% है, और 99% है इस पर बेस्ड, मिश्रित क्रम बेस्ड। क्यों? तो यही काम का चीज़ है हमारे लिए रियल में। श्रेणी क्रम समांतर क्रम हमने 10th में भी पढ़ लिया है, मेन यही है बचा हुआ था जो 12th लेवल का है। और सबसे दुखद बात यह है कि इसमें हमारे पास इसके प्रश्न को करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, मतलब अकल दौराना है, आंसर निकालना है, अकल से आंसर आएगा। यहाँ पर हमारे पास कोई इसका सीधा सीधा कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो मैं इसका पहला क्वेश्चन अभी कर रहा हूँ परिभाषा के बाद, और बता करके कि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। आप लोग समझने के लिए अपना दिमाग, आँख, कान सब खोल के बैठो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैं दोनों का दोनों कॉम्बिनेशन यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, श्रेणी क्रम का भी और समांतर क्रम का भी। चलो देखो, श्रेणी क्रम समझ में आपको आएगा, बस ध्यान देना है यहाँ पर। श्रेणी क्रम हमने कैपेसिटर में बिल्कुल यही चीज़ पढ़ा है सेम, इसीलिए मैं यहाँ पर उतने क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। याद करें वहाँ पर 80 क्वेश्चन हमने किए हैं गिन करके, 1 to 80। यहाँ पर मैं 10 क्वेश्चन कराऊंगा मुश्किल से, या 15 बहुत हो गया। कॉम्बिनेशन वहाँ से देख लोगे आप, मज़ा आ जाएगा। बस यहाँ पर बस हम देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे यहाँ पर भी होता है श्रेणी क्रम संयोजन। चलिए, जैसे ही आपको ऐसा कुछ दिखे, कुछ ऐसा, तो ये इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम। ये R1 है, R2 है, R3 है। तो श्रेणी क्रम में फॉर्मूला होता है R1 + R2 + R3। और ऐसा ही यदि समांतर क्रम दिख जाए तब कैसे पहचानोगे? तो ऐसा रहेगा वो, कुछ ऐसा ऐसा ऐसा। यदि आपको ऐसा दिख रहा है R1 R2 R3, यदि आपको ऐसा दिख रहा है, ठीक है, तो क्या लिखोगे? 1/RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये दो फंडा है, इसी के जरिए हम क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखना, देखो बच्चों, चारों के चार प्रतिरोधकों को ऐसे करके सेट कर दिया गया है। क्वेश्चन यही है, कॉमन लिखिएगा। दी गई आकृति में संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। दी गई आकृति में संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें, ठीक है। चलिए अब सोचो, तो ध्यान से देखिए, तो ध्यान से क्या हमने ऐसा कॉम्बिनेशन पढ़ा है? देखो, दो ही पढ़ा है, या तो ये दो ही पढ़ा है ना। क्या दोनों में से ऐसा कोई है? नहीं है। या तो सब श्रेणी में पढ़े हैं या तो सब समांतर में। यहाँ क्या है, थोड़ा श्रेणी फिर समांतर फिर आपस में कुछ, ऐसा हमने पढ़ा ही नहीं है। अब सोचते हैं कैसे करेंगे हम, थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा खींचने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा देखिए, बस खींच दिया मैंने, ये ए रहा, खींचा होगा तो ये थोड़ा सा सीधा हो गया होगा, देखना ऐसा हो गया होगा। ये ए, ये बी, ध्यान से, 4 4 4 4। देखो, क्या ये दोनों और ये दोनों ऐसे ही हैं खींचने के बाद? यस। सिर्फ इतना के बारे में विचार करो, सिर्फ ये जो पोर्शन है, ये वाला, क्या ये पढ़े हो? देखो तो, दो वाला पढ़े हो ना भाई, वहाँ तीन है, बस क्या रहेगा यहाँ पर? दो रहेगा। लो ऐसा कुछ, ये मिट गया, क्या ऐसा पढ़े हो ना? अरे दो वाला, 10 रहेगा, 10 तक जाएगा, क्या दिक्कत है? तो क्या ऐसा सिर्फ ये वाला पढ़ लिए हैं? हाँ पढ़ लिए हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है सिर्फ इतना का? बोलो तो क्या होता है? RS = होता है R1 + R2, मतलब 4 + 4, मतलब कितना? 8 होता है ना। यस, 8 हो। तो मैं क्या करता हूँ, इस दोनों को रिप्लेस कर देता हूँ इसके इक्विवेलेंट से। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन का अगला पोर्शन हो जाएगा, अगला स्टेप हो जाएगा सॉल्यूशन का, वो क्या होगा? ध्यान से,
तो ऊपर में बस एक दोनों की जगह, नीचे में भी दोनों की जगह एक, कितना कितना, ऊपर में चार चार का आठ और नीचे में भी चार चार का सेम ही है आठ ओम। ये पॉइंट बी, क्या अब ऐसा पढ़े हो? तो हाँ पढ़े, यहाँ तीन है, यहाँ पर कितना है, दो है, और उसका फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है, वन अपॉन आर पी बराबर, बोलो 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 क्या पढ़े हो, वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू, दैट इम्प्लाइज वन अपॉन आर पी बराबर, ध्यान से बच्चों क्या हो जाएगा, एक बटे आठ जोड़ एक बटे आठ, आठ आठ का लॉस ऑफ आठ, एक जोड़ एक मतलब दो बटे आठ मतलब एक बटे चार, कटौती मचा दो। यहाँ से क्या लिखोगे कि आर पी का मान कितना आ गया भाई, चार ओम आंसर हो गया। इसको छाप लीजिए समझ करके अच्छे से, और इस पर हम ढेर सारे क्वेश्चन और जो है वो सब करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बच्चों, तो इसको अच्छे से छाप करके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय और गुड नाइट।